फ्रेंड्स, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रसन्न चित्त रहते हुए, आप सभी अपने अपने कार्यों का अंजाम देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। अभी अभी हम सब दुनिया की भीषणतम त्रासदी से निजात पाकर उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 38 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा। कृपया ध्यान देंगे, वीडियो छोटा जरूर है लेकिन बहुत सारगर्भित है। हाउ दी थॉट एफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, विचार इंसान के जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। थॉट डिसाइड हिज डेस्टिनी, उसके भविष्य को भी निर्धारित करता है। विचार ही है जो आदमी को गरीब और अमीर बनाता है, विचार ही है जो उसे अच्छा और बुरा बनाता है, विचार ही है जो उसे संपन्न और विपन्न बनाता है, विचार ही है जो उसके भविष्य को उज्जवल बनाता है। थॉट विल डिसाइड हिज डेस्टिनी। आपने देखा होगा, दो व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में, सेम स्टेटस में, बराबर का उम्र, बराबर का एजुकेशन, या एजुकेशन न भी हो, हाईली क्वालिफाइड हो, मिडिल क्वालिफाइड हो, कम हो, परंतु उस दो व्यक्तियों के में आप जब गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। सब कुछ बराबर है, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ थॉट। जीवन के प्रति, जीने के प्रति, भविष्य के प्रति सोच क्या है, ये सोच उसको सब कुछ करता है। इंसान की जिंदगी, वस्तुतः इंसान चाहता क्या है? अमीरी, धन संपदा, सफलता, सुखद स्थिति, यही इंसान की सामान्य सोच और समझ होती है जो उसको चाहता है। और सच पूछिए तो संपन्नता जिंदगी, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, और सुख और अमीरी धन से पैदा होती है, और धन ही वह ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो उसको प्रभावित करता है। जीवन की खुशी का अंदाज़ा अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के फर्स्ट क्लास में या एरोप्लेन में सफ़र ही नहीं किया हो, या 5-स्टार या 7-स्टार होटलों का आनंद ही नहीं लिया हो, तो ये सारी चीज़ों का आनंद पेपर में पढ़कर नहीं लिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेट उसके थॉट प्रोसेस से प्रभावित होती है, और आदमी जो है थॉट प्रोसेस से ही प्रभावित होकर उसकी ज़िंदगी के विभिन्न आयाम खुलते हैं। प्रकृति में अपार संपत्ति है, परंतु उस अपार संपत्ति का दोहन भी धन से ही संभव है। प्रकृति में संपत्ति, वैभव, समृद्धि, धनश्री, प्रचुरता, विलासिता विभिन्न रूपों में बिखरे पड़े हैं, परंतु उसका जो दोहन करके उसका स्वामी बन जाता है, उसका मालिक बन जाता है, वो राजाओं की तरह जिंदगी जीता है। इंसान की जिंदगी में राजा, महाराजा और नवाबों की जिंदगी क्या होती थी? सर्वसंपन्न अथा संपत्ति अथा शक्ति और दूसरे गरीब मुल्कों को पार्श्विक शक्ति से पराजित कर उसके राज्य सीमाओं को अपने में मिला लेना, धन संपत्ति और जन संपत्ति को अपने में मिला लेना, और विभिन्न प्रकार के करों से अपने खजाने को भर देना। परंतु ये बीते दिनों की बातें हुई, और प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को जीने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है,
व्यवसाय करने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है। इन सारी चीज़ों में अब वो चीज़ नहीं रही और व्यक्ति को एक्चुअली व्यक्ति जो है इन सारे प्रयास परिश्रम और सोच प्रक्रिया से वो चाहता क्या है, संपन्नता प्राप्त करना। अब वो भी दिन नहीं रहे कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, जिस देश के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो। अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन को दुनिया का सबसे गरीब मुल्क माना जाना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटेन हमारे देश के एक छोटे से छोटे राज्य से भी उसकी क्षेत्रफल बहुत कम है, परंतु वह दुनिया का संपन्न राष्ट्रों में आता है। कारण विचार शक्ति, अर्जन और सृजन की शक्ति उसके पास है। अर्जन के विभिन्न आयामों से धन उपार्जन की सामर्थ्य है, उसके रगों में वो सामर्थ्य है अर्जन और सृजन का है। तो जो राष्ट्र, जो समाज और जो कौमें अर्जन और सृजन की शक्ति को समझते हैं वो कभी विपन्न हो ही नहीं सकता, गरीब हो ही नहीं सकता। परंतु अगर जिसने अपन विचार शक्ति को, विचार को बदला ही नहीं, वह तो फिर ज़िंदगी में कोल्हू के बैल के जैसा रह जाता है। दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल छोटा है, जीवन के जीने में आपके विचार की अहमियत को बताया गया। आप कैसे सोचते हैं प्रगति आपके सोच पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। आप कैसा सोच रहे हैं जीवन को, किस नज़रिए से देख रहे हैं भविष्य को, किस नज़रिए से देख रहे हैं संपत्ति अर्जन के आयामों को, किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अंत में परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विपरीत हो, आशावान बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, दूसरों के लिए मददगार हमेशा रहें, ईश्वर में आस्था रखें। इसी उम्मीदों के साथ धन्यवाद, विशेष अगले वीडियो में।